हेल्दी सोच में हम ओमकार जी का स्वागत करते हैं। आजकल गर्मी और कोरोना दोनों की ही मार पड़ रही है, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी काफी बढ़ रही है तो एक विशेष बात के हर तरफ प्रचार किया जा रहा है कि आयुर्वेद के आपको काढ़े पीने हैं, जो काढ़ा है या आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कीजिए। तो एक तरफ गर्मी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ ये जो आयुर्वेदिक जितने भी औषधियां हैं ये लगभग सभी गर्म है, तो गर्मी शरीर में एक प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, दूसरा इन दवाइयों के सेवन से, औषधि के सेवन से। तो इसमें गर्मी में सबसे विशेष बात का ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो, उसके लिए दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। अब एक सवाल विशेष रूप से अक्सर सबके मन में आता है, क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं कि पानी ज्यादा पियो, लेकिन उसकी एक सीमा तो होनी चाहिए, कितना ज्यादा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मापदंड है कि हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर तरल पदार्थ आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। अब चाहे वो पानी हो, लस्सी हो, छाछ हो, शरबत हो, नींबू पानी हो, लिक्विड डाइट जो है, तरल पदार्थ हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर आपके शरीर में जाना चाहिए। अब यदि किसी सामान्य व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो उसके अनुसार उसके शरीर में 3 लीटर प्रतिदिन तरल पदार्थ जाना चाहिए। 80 किलो वजन है तो उसके अनुसार 4 लीटर तरल पदार्थ या पानी शरीर के अंदर जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, योग में योग अभ्यास जो करते हैं उसमें कई सारे ऐसे अभ्यास हैं जो शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से शीतकारी, चंद्रभेदन, यह 3 विशेष प्राणायाम हैं जो हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं। ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या है, पित्त की समस्या है, पित्त बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, अर्थ एसिडिटी बनती है, जलन होती है, पसीने ज्यादा आते हैं, क्रोध ज्यादा आता है, ये सब पित्त के लक्षण हैं, गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो इसमें यदि ये अभ्यास करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, दिन में नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए और इसके साथ रेशेदार फल और सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करें, जो फाइबर डाइट्स हैं उनका सेवन अधिक मात्रा में करें, तो इस प्रकार से गर्मी से बचा जा सकता है। एक इसमें विशेष बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए अधिकतर लोग अपने घरों में एसी का प्रयोग करते हैं, तो एसी की बजाय यदि कूलर का इस्तेमाल किया जाए तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि जब एसी हम चलाते हैं तो हमें खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके रखने होते हैं, और यदि एक कमरे के अंदर एसी चल रहा है और उसमें 4 लोग हैं तो जो व्यक्ति अपनी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ रहा है दूसरा व्यक्ति उसी को खींच रहा है, पहली बात, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे बंद है तो बाहर से वायु का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, प्रकृति से कुछ समय के लिए जो हमारा कनेक्शन है, संबंध है, वो टूट जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वही दूसरा व्यक्ति ले रहा है, जो दूसरा व्यक्ति छोड़ रहा है उसको हम अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं, तो इससे सांस संबंधित होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, जब एसी चलता है तो कमरे से जो बाहर पानी निकलता है, एसी जब चलता है तो उसके बाहर जो पानी निकलता है तो वो हमारे कमरे का सारा जो न्यूट्रिशन है उसको खींच लेता है, और उसके बाद हमारी त्वचा से पूरा जो तैलीय पदार्थ है उसको खींच लेता है, उससे स्किन संबंधी समस्याएं होने की भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और जो लोग एसी में सोते हैं, अधिकांश लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो नाक और मुंह उनका सूखा हुआ होता है, तो एसी में रहने की कुछ ये शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आप प्रयास करें एसी की जगह कूलर का इस्तेमाल करें।